तहिया से खबर मिल रही है, जहां व्यापारी नेता संदीप गुप्ता का शव मिला है। संदीप गुप्ता की पत्नी और बेटे का भी शव मिला है। तीसरी मंजिल पर बंद कमरे से ये तीनों शव मिले हैं। प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक थे संदीप गुप्ता, कोतवाली के गुरहाई मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। तीन मंजिला मकान और एक कमरे में तीन शव मिलते हैं। ज्यादा जानकारी सहयोगी सुमित गुप्ता से लेते हैं। सुमित, क्या है ये पूरा मामला, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से, आसपास मौजूद लोगों की तरफ से? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये औरैया जिले के गुरहाई मॉल का मामला है, जहां पर एक संदीप गुप्ता नाम के युवक है, जो व्यापारी नेता भी बताया जा रहा है और एक स्कूल के प्रबंधक भी है, जहां आज सुबह इनके परिजनों ने सूचना दी पुलिस को कि एक कमरे में जो है खुल नहीं रहा है और तीन लोगों के जो है पड़े हुए हैं, जिनकी हत्या हुई की आशंका है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरा खुलवाया और कमरे खुलवाने के बाद पति और पत्नी का शव एक कमरे में था, तो दूसरा शव जो है उनके 25 साल के बेटे का पड़ा हुआ था। जिसके बाद फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। हालांकि पुलिस की तरफ पूरे मामले में आत्महत्या की बात कही गई है, लेकिन यह अभी कह पाना मुश्किल है कि आत्महत्या है या हत्या है, क्योंकि परिजन का आरोप है कि यह हत्या की गई है। जी बिल्कुल, आप संदीप नजर बना करके रखिएगा, जहां ये बड़ी खबर है। व्यापारी है, नेता है, व्यापारी नेता बताए जा रहे हैं, घर के तीसरे मंजिल पर शव पत्नी के शव के साथ और बेटा जो 25 साल का बताया जा रहा है उसका भी शव मिला है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।